हेलो जी, सारे ने राम राम। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। जमा दिल ते स्वागत है। और व्लॉग की मैंने स्टार्ट कर दिया है। और व्लॉग में बने रही हो, वीडियो ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। और चैनल ने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर तो ज़रूर कर जाइयो। आप भूलियो मत ना, याद रखियो प्लीज़। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। और सुबह हो चुका है स्कूल के लिए रेडी, यूनिफॉर्म डाली है इसने। और अभी ये जाते जाते दादी पोतियाँ गए आपको लिए बोल रहे हैं हाय। तो आप इनकी सवेरे की राम राम और हाय ले लियो। और अभी देखो दादी पोते का कितना प्यार है इनका। उम्मीद करूँ कि इनका प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत प्यार है इनका। शुभम ने दादी बहुत प्यारी लग गए है। और अभी शुभम शुभम जाएगा स्कूल। तो गाइज मैं अभी नहा धो के हो चुकी थी रेडी। मैंने ये वाला सूट डाला है, आप देख लो। और ये सूट मैंने अपने मायके से लाई थी, मेरी माँ ने ले के दिया था। और गाइज मेरी अभी टाइम हो चुकी है शिवलिंग पे जल अर्पित करने की। तो मैंने इसलिए लोटा उठा लिया था, उसमें दूध और जल डाल लिया है। और अभी फिर मैं जाऊँगी शिवलिंग पर जल अर्पित करने, जो मेरा रूटीन है डेली का आपको पता है। और गाइज ये देखो बाहर का व्यू आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत प्यारा लगा है। मैंने हरियाली बहुत पसंद है। सावन में हरी भरी हरियाली के तो वाह क्या ना लगे नज़ारे हैं भाई। धूप बहुत तेज़ हो रही है गाइज, गर्मी इतनी तेज़ पड़ा है कि बस पूछो मत। तो गाइज मैंने स्टार्ट कर दिया अपने, आ गई हूँ मैं भोलेनाथ पे। शिव बाबा पे मैंने जल अर्पित ये दूध चढ़ा दिया है। हे शिवलिंग बाबा, सबकी रक्षा करना, सबका भला करना, सबको खुश रखना, स्वस्थ स्वस्थ रखना, यही प्रार्थना है भाई मेरे तो। बाबा बोले थे सुख शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और स्वस्थ। आपको बताया कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में हो आया। तो सुख शांति और शरीर स्वस्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान से। तो मैंने प्रार्थना कर ली। तो जी मेरा जल अर्पित हो चुका है और अब मैं घर की तरफ लौट रही हूँ। आ चुकी हूँ मैं घर में। और आपको पता है अभी मैंने चाय पीनी है, तो अभी मैंने गैस पे रख दी है चाय, पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी मैंने। और गाइज मैंने गैस पे रख दी है चाय। अगर आपको भी चाय पीनी हो तो उबल के रेडी हो चुकी है आपके लिए चाय। गाइज आ जाओ और चाय पी लो। वैसे गाइज मैं चाय बनाऊँ ना तो कम से कम भी 4-5 उबाल लाए बिना मैं चाय नहीं पीऊँ। एक दो उबाल की मैंने चाय अच्छी नहीं लगे, पूरी घोट की जब चाय पीऊँ। मेरी माँ मेरी चाय ना बहुत पसंद करे है, खुद नहीं बनाऊँ मैं नहीं बोलेंगी कि चाय बनाओ। तो गाइज ये है मेरा किचन, देख लो आप, मिक्सी रखी है। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ पंखे के नीचे हॉल में, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी पंखे बिना तो 2 मिनट भी जग नहीं हो है। इतनी गर्मी है, पसीने आ के बुरा हाल हो गया है। ये डाली है मैंने कप में चाय और मैंने कर दी है पीनी स्टार्ट। तो गाइज अभी मैं निकाल रही हूँ मेरी माँ के लिए मैंगो जूस, क्योंकि उनका फास्ट है। मैंने चाय पी थी और मेरी माँ के लिए जूस बनाया था। मेरी माँ ने मैंगो जूस बहुत पसंद है। तो अभी मैंने मिक्सी चालू कर दी है, अभी मैं बना रही हूँ जूस। और अगर आपको भी मैंगो जूस पीना हो तो प्लीज़ आप पी सकते हैं, मिक्सी चलने के रेडी हो चुकी है। ये देखो गाइज
माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सेवा करेंगे तभी मेवा मिलेगी। तो अभी गाइज मैंने कुछ व्लॉगिंग के लिए मंगवाया था सामान, वो मेरा आ चुका है। तो ये मैंने मंगवाए थे 2 माइक और इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं प्रवीण कसवा। ये 2 माइक मंगवाए थे जो कि आपको आवाज़ में दिक्कत आ रही थी, तो इसीलिए मैंने आवाज़ के लिए 2 माइक मंगवा लिए। और गाइज ये है मेरा स्टैंड जिसमें मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो कोई घर पर नहीं हो तो मेरा कैमरा सेट करके मैं व्लॉगिंग कर सकूँ, और शॉर्ट वीडियो भी बनानी हो, रील बनावा सासू बहू, तो गाइज इसके लिए मैंने स्टैंड मंगा लिया। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ।